नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। सुना होगा आपने, जीतूंगी मैं खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो, तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। जी हाँ, कुछ ऐसे ही मजबूत इरादों वाली बेटियों को सामने लाने का नाम है हमारा ये कार्यक्रम नायिका। आज की नायिका से मिलकर आप जरूर कहेंगे, सफलता का कद आपकी सोच तय करती है और सफलता की कोई उम्र भी नहीं होती। खुशी हो रही थी कि मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है एंड मैं सिल्वर ला पाई। आई हैव डन इट एंड आगे भी जाके मुझे और भी अच्छा करना है और भी बेटर परफॉर्मेंस देना है और आगे यहाँ से जो जो लेसन मुझे मिली है वो आगे की कॉम्पिटिशन्स के लिए मुझे कॉन्फिडेंट भी देगा और हेल्प भी करेगा कि आगे वैसा मैं और भी बेटर कर पाऊँ अपना शूटिंग। एयर राइफल में मैंने तब से मैंने सुना अभिनव बिंद्रा का नाम, तो तब से उसका शूटिंग मैंने देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। अभिनव बिंद्रा सबसे बड़ा आइडल है मेरा। बड़ा संघर्ष बड़ी सफलता का इतिहास रचता है, इस हकीकत की जीती जागती मिसाल है निशानेबाजी की भारतीय सुपरस्टार मेहुली घोष। कोलकाता के एक साधारण परिवार की बेटी ने इस बात को साबित किया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता का शोर उसे खुद पहचान दिला दे। शूटिंग की दुनिया में समूचे विश्व में 6th रैंकिंग, एशिया में 3rd पोजीशन और भारत में पहले पायदान पर खड़ी है महज 17 साल की ये बेटी जो आज जी न्यूज के स्टूडियो में है। मेहुली, स्वागत है आपका और जी न्यूज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको। थैंक यू सो मच। मेहुली, सफलता की कोई उम्र नहीं होती है, इसकी जीती जागती मिसाल हैं आप, क्या आपको इस बात का एहसास है? मैं ये ज्यादा सोचती नहीं हूँ कि मुझे जो करना है वो मैं कर रही हूँ एंड आगे भी करती रहूंगी। इसके बाद क्या हो रहा है, क्या क्या अचीवमेंट्स मुझे हो रही है और क्या लाइट और फेम मुझे मिल रहा है, मैं इसको ज़्यादा लेके सोचती नहीं हूँ। मैं बस अपना शूटिंग के बारे में सोचती हूँ कि इससे और कैसे बेहतर किया जा सकता है। मैं इंटरनेशनल मैचेस और जितने भी सारे मैचेस है मेरा, मैं और भी कैसे अपना परफॉर्मेंस और भी कैसे हाई करूँ और आगे की जो भी गोल्स एंड टारगेट्स है वो कैसे फुलफिल करेगा जा सकता है। 17 साल की उम्र है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योरिटी, कैसे सेलिब्रेट करती हैं आप अपनी सक्सेस को? मैं अपने सक्सेस को उतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करती क्योंकि आगे जाके मुझे और भी ज़्यादा मुझे अपना सक्सेस मिलना है एंड और भी ज़्यादा हार्डवर्क करना है इससे ऊपर जाने के लिए। कितना ऊँची जाना चाहती हैं आप? मैंने जब पहली बार टीवी पे देखा था ओलंपिक गेम्स एंड वहाँ पे इतने सारे स्पोर्ट्स इवेंट होते, तब से मेरा मन था कि मैं भी एक दिन इस स्टेज पे जाऊँ, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि कैसे जाऊँ और कौन सा स्पोर्ट्स में जाऊँ। तो फिर धीरे धीरे मुझे शूटिंग के बारे में पता चला, तो फिर मैंने शूटिंग सीरियसली लिया, तब सामने रास्ता खुल रहा है। तो आपने शूटिंग के बारे में ही क्यों सोचा, दूसरे खेलों के बारे में क्यों नहीं सोचा? मुझे बचपन से ऐसा एक्शन गेम पसंद है। मैं जब और भी ज़्यादा छोटी थी एंड अभी भी मैं जब भी किसी मेले पे जाती हूँ तो वहाँ पे बलून शूटिंग का एक गेम होता है, तो वो अभी भी मैं खेलती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने बचपन से सोचा हुआ था कि आपको खेलों में भेजना है, स्पोर्ट्स में भेजना है, आपको ओलंपिक की तैयारी करानी है? नहीं, ऐसे मम्मी पापा ने तो बिल्कुल नहीं सोचा था एंड मम्मी पापा को ये भी तो कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं शूटिंग में आऊँगी एंड स्पोर्ट्स में भी कोई उन लोगों को कोई अंदाज़ा नहीं था। तो ये जो भी डिसीजन है ये मेरा ही डिसीजन है पूरा। और आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था आपके इस डिसीजन पर? मैं जब 14 साल की थी तो तब मैंने उनको बताया कि मुझे शूटिंग करना है, तो पहले तो वो लोग बहुत चौंक गए थे कि शूटिंग कैसे और क्यों अचानक तुम्हारे दिमाग में ये क्यों आया। मेरे एक दोस्त थे जो मेरे क्लासमेट है, उनसे भी पता चला कि हमारे घर के पास ऐसा शूटिंग स्पोर्ट हम सीख सकते हैं, तो फिर मैंने सारी जानकारी उनसे लिया,
फिर मम्मी पापा को मनाया कि मुझे ये खेलना है. सब तरफ एक्सपेक्टेशन थी कि मेहुली घोष गोल्ड लेकर आएगी. आप गोल्ड के करीब भी पहुंच गई लेकिन उसके बाद भी ले नहीं पाई. कैसे खुद को सेटिस्फाई करती हैं? हाँ, मैं गोल्ड के बहुत ही पास गई थी लेकिन जो वो मैच खेल के मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, जो कुछ भी मैंने सीखा उस मैच से, वो बहुत ही ज़्यादा है गोल्ड मेडल से भी, कि आगे जाके वो मुझे गोल्ड मेडल या फिर उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस देने में जो मुझे हेल्प करेगा. वो कौन सा मोमेंट था जिसकी वजह से आपका गोल्ड छूट गया? क्या अब आप इतने दिन बाद एनालिसिस करती हैं? वो एक जो मेरा लास्ट शॉट, मतलब 24th शॉट जो लास्ट शॉट यूजुअली होता है, लेकिन वो मेरा 10.9 शॉट था. तो मैंने सोचा था कि अब ये लास्ट शॉट है तो मैंने अपना पोजीशन छोड़ दिया था. लेकिन उसके बाद हमारा टाई शॉट था मेरे से और जो फर्स्ट पे था उससे, फिर मैंने फिर से पोजीशन लिया. तो उसमें थोड़ा सा मेरा गलती हुई हो गई थी उसमें. वो क्या गलती हुई थी? वो आपकी उम्र इतनी छोटी है इस वजह से वो गलती हुई आपको लगता है? नहीं, वो एक होता है एक्सपीरियंस एंड अपना माइंड को और भी ज़्यादा काम रखना होता है उस स्टेज पे. तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि हाँ, मुझे और भी कितना काम होना है और कितना फोकस रहना होगा टिल द लास्ट शॉट. कोच ने डांटा बहुत? नहीं, फाइनल्स के बाद मैंने कोच को फ़ोन किया. मैंने पहले उनको कहा सॉरी, तो वो पहले हंसे, फिर बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जो लेसन तुम्हें मिला ये लाइफ टाइम लेसन है. थोड़ा सा रिग्रेट होता है एक्चुअली उसको लेके मैं ज़्यादा सोच भी नहीं रही हूँ, क्योंकि उससे मुझे जो सीख मिली है वो बहुत ही बड़ी सीख है, जो आगे जाके मेरी ऐसी गलती नहीं होगी. मेरा गोल्ड मिस हुआ लेकिन आई गॉट अ बिग लेसन, तो मैं उसको लेके ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ. तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप देश के लिए गोल्ड लाती वो या लेसन जो आपने लिया है वो? दोनों एक ही जैसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए तो. लेकिन पहले मुझे अपना बेस्ट देना है, फिर मुझे गोल्ड मिलेगा. तो पहले अपना मेरा खुद का गेम खेलना है, फिर मेडल आएगा. आपके कोच ने आपको निशानेबाजी की ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग भी दी, दोनों में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है? एक टाइम जब आप टेक्निकली काफ़ी अच्छा हो जाते हो, फिर मेंटली जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए, तो मेंटली आपको ऑल टाइम स्ट्रॉन्ग एंड फिट रहना होता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्या ये सच है कि आप डिप्रेशन में गई थी? मेरे को लगा, वो जब 2 साल पहले की बात है, वो तब मुझे लगा था कि शायद मैं जितने भी ख्वाब देख रही हूँ शायद मैं नहीं जा पाऊँ वहाँ पे. मैं तब प्रैक्टिस पे नहीं जाती थी और मैं अकेले रहना बहुत पसंद करती थी तब, एंड मैं बात भी करना कम कर दिया था एंड शूटिंग तो लाइक बहुत ही कम करती थी. मम्मी पापा बोलते थे कि जाओ जाके प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती थी प्रैक्टिस करके, लेकिन मैं वो बहुत ही कम जाती थी तब. क्या फ़र्क आया आपके व्यवहार में, आपके एटीट्यूड में जयदीप सर की ट्रेनिंग के बाद? वो नहीं होते तो पता नहीं मैं अभी तक इस जगह पे नहीं होती शायद. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने बहुत बिलीव रखा मेरे ऊपर कि मैं कर सकती हूँ, मैं इतना पर और भी आगे जा सकती हूँ. वो एक इंसिडेंट जिसकी वजह से आपको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था, क्या सच में उस इंसिडेंट ने आपको इतना प्रभावित किया था कि आप डिप्रेशन में चली गई, आपको लगा अब आप वापस नहीं खेल पाएंगी? हाँ, वो एक टाइम था जब मुझे सही में लगा था कि शायद मैं अब इस स्पोर्ट्स में फिर वापस ना आ पाऊँ, या फिर क्योंकि बहुत लोगों की विश्वास और भरोसा मेरे ऊपर से उड़ गया था. तो तब मुझे लगा कि शायद, क्योंकि वो लोग भी मेरे से काफ़ी ज़्यादा सीनियर है स्पोर्ट्स में, तो शायद ये लोग सही बोल रहे हैं, शायद मेरे से नहीं होगा. तो मैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मुझे दुख पहुंची थी कि शूटिंग स्पोर्ट को सीरियसली लेना शायद गलत डिसीजन है मेरा. लेकिन फिर मैंने फाइट बैक किया कि कोई भी डिसीजन गलत या सही नहीं होता है, आप एक डिसीजन लो फिर उसको सही करो, वही आपका मेरा
चैलेंज होता है। आपके सीनियर्स को क्यों लगा कि आप खेल नहीं पाएंगी या आप शूटिंग के लिए नहीं बनी हैं? मुझे किसी ने डायरेक्टली आके नहीं बोला था। स्पेशली मेरा जो जितना भी परफॉर्मेंस होता है बहुत ही लो स्कोर जाता है मेरा, एंड बहुत ही खराब कंडीशन होती है। लोग बोलते थे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अगले बार हो जाएगा, लेकिन एक आपको पता चलता है कि हाँ क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर मैं बहुत ही ज़्यादा पीछे चली गई थी, तो तब मुझे ऐसा लगा। इतना पीछे जाने के बाद आपने आगे आने के लिए कौन सी टेक्निक्स एडॉप्ट की जिसकी वजह से आप आगे आ पाई? पहले तो मुझे मेंटली स्ट्रांग होना पड़ा। मैं जयदीप सर के पास गई, तब जयदीप सर ने बोला कि पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना है और फिर टेक्निकली आपको स्ट्रांग होना है। जो भी कुछ हुआ पहले तो उसको भूल जाओ, एक नया शुरुआत करो और आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से सबका विश्वास आपसे कम हो गया था या फिर आप खेल भी अच्छा नहीं पा रही थी? मैं खेल भी तब अच्छा नहीं पा रही थी, तब मैं नई नई भी शुरुआत किया था तो मेरा उतना भी अच्छा खेल नहीं हो रहा था, एंड तब स्कोर्स भी बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे नेशनल्स लेवल्स एंड स्टेट लेवल्स, तो मैं उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी उतने हाई स्कोर्स भी नहीं मार पा रही थी मैं। इस गैप को आपने कैसे फिल किया? तब मैं एवरीडे प्रैक्टिस पे जाती थी और जितना भी खराब स्कोर हो जितना भी खराब प्रैक्टिस हो मैं प्रैक्टिस करती थी, जितना भी लो स्कोर्स हो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कोई बात नहीं अगले दिन फिर से, और ऐसे हर रोज़ मैं ट्राई करती थी कि इससे अच्छा और भी अच्छा करना है मुझे, और खुद पे मैंने पहले विश्वास किया कि खुद पे विश्वास करो फिर ज़िंदगी में सारी प्रॉब्लम्स आसानी हो जाएगी। तो पहले खुद को बिलीव करना होता है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सारी समझदारी कहाँ से आई? मम्मी पापा की भरोसा और मम्मी पापा की मेरे लिए जितने भी मुझे उस टाइम पे मुझे बहुत सपोर्ट, एंड जयदीप सर ने और मेरा जो तो मम्मी पापा तो आपके काफी परेशान हुए थे जब आपने इस डिसीजन के बारे में उनको बताया था, वो नहीं चाहते थे पहले? वो तो लाइक क्योंकि ये शूटिंग स्पोर्ट एक्सपेंसिव है, तो तब हमारा फाइनेंशियल कंडीशन एकदम भी अच्छा नहीं था, तो तब मम्मी पापा ने सोचे थे कि हम ये गेम कंटिन्यू कर सकते, अच्छा है कि तुमको स्पोर्ट्स पसंद है वो एकदम ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये एक्सपेंसिव गेम है तो हम शायद कंटिन्यू नहीं कर पाए, फिर शायद तुमको ही बाद में दुख पहुँचेगी। तो फिर मैंने बोला कि हो जाएगा, उतना भी ज़्यादा नहीं है, एक बार करके तो देखो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी जो मुझे बाद में पता चला, क्योंकि तब मुझे मैं बहुत छोटी थी तो मुझे बताते नहीं थे मम्मी पापा, लोन्स वगैरह लिए थे मेरे शूटिंग के लिए। आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में बच्चे टेंथ की परीक्षाएं दे रहे होते हैं, बोर्ड का प्रेशर ले रहे होते हैं, आप उस प्रेशर से दूर हैं, काफ़ी खुश हैं? हाँ खुश तो हूँ, लेकिन हाँ ये मुझे बाद में करना ही है क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो वो भी मुझे बाद में करना है, अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, मुझे मेरे पास एकदम भी टाइम नहीं है पढ़ाई के लिए, लेकिन वो बाद में मुझे करना है। आप क्या करती हो शूटिंग के अलावा? पार्टीज, थोड़ा फैशन, थोड़ा? शूटिंग के अलावा टाइम काफ़ी कम मिलती है, लेकिन हाँ मैं अपना दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, तो एंड शॉपिंग करना भी मुझे बहुत पसंद है तो कभी कभी मैं शॉपिंग करना जाती हूँ या फिर मूवीज़ देखने चली जाती हूँ फैमिली के साथ। कॉमनवेल्थ में, गोल्ड कोस्ट में ऐसी कौन सी बात है सिल्वर मेडल लेने के अलावा जो आप याद रखना चाहती हैं, जो आप भूल नहीं पाएंगी? गोल्ड कोस्ट में वो ओपनिंग सेरेमनी जो था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए, एंड मेमोरेबल, वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट है वो, और मैं पहली लाइन पे थी तो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल है वो। तो भारत सरकार की तरफ से खेलों को जो बढ़ावा मिल रहा है उसमें क्या सुधार होना चाहिए, कोई सजेशन है जो आप देना चाहती हैं? सजेशंस के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी हूँ, लेकिन हाँ गवर्नमेंट जो भी अभी कर रहे हैं जितना भी हेल्प स्पोर्ट्स के लिए कर रहे काफ़ी ज़्यादा है पहले से, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इसके लिए। आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है शूटिंग को जब से आपने नेशनल्स में
गोल्ड मेडल लिए, सिल्वर लिए, और उससे पहले जब आप डिप्रेशन में थी, या उससे भी पहले जब आप कोलकाता की बहुत छोटे से इलाके में कहीं छोटी सी सड़कों में बसों में भी ट्रैवल किया है? मैं अभी कुछ महीने पहले भी बस में ट्रैवल करती थी एंड अभी भी करती हूँ मैं बस में ट्रैवल। तो मेरा घर हुगली डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ से मेरा न्यू टाउन आने में 2 घंटे लगते, तो वहाँ पे पहले ट्रेन, लोकल ट्रेन में एंड फिर बस में मैं आती थी प्रैक्टिस करने। आपके फादर ने आपके लिए एक गाड़ी क्यों नहीं ले ली? क्योंकि हमारा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। आपने कोशिश की कि कोई आपको, जो आपके स्पॉन्सर्स हैं, कोई गाड़ी प्रोवाइड करा दे ताकि आपको, आपका टाइम भी बचता है अगर आप बस और ट्रेन में, लोकल ट्रेन्स में सफ़र करते हैं तो आपका काफ़ी टाइम जाता है? एकदम पहले मेरा स्पॉन्सर्स नहीं था, फिर उसके बाद जब मेरे स्पॉन्सर्स हुए तो गाड़ी पे स्पेंड करने से ज़्यादा मेरा शूटिंग पे अगर मैं स्पेंड करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो मैंने शूटिंग पे स्पेंड किया अपना सारा। क्या मेहुली घोष के लिए एक गाड़ी का पैसा अरेंज करना वाकई बड़ा मुश्किल है? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, तो आपको रिटर्न में भी कुछ मिलेगा इसमें तो, लेकिन क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो नहीं सोचती कि आप, मैं बस देना चाहती हूँ अपना पूरा हार्ड वर्क, जितना भी आप दे सकते हो आप बस दो, फिर बाद में फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। मेहुली, क्या आपको मालूम था कि आप खेलों में इतना बेहतर करेंगी, इतना अच्छा करेंगी? मालूम नहीं, लेकिन जिद था कि हाँ मुझे अच्छा करना है, तो अभी जो भी मैं कर रही हूँ, हाँ मैं इसमें खुश हूँ, लेकिन हाँ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे और भी ज़्यादा अच्छा करना है। मेहुली, बहुत सारा प्यार और देश भर के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो व्यक्ति खुद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर रहा हो, उसकी ज़िंदगी को कोई और दूसरा बेहतर नहीं बना सकता, लेकिन अगर खुद कोशिश करेंगे तो दूसरे का हल्का सा सहारा भी बड़ी ताकत बन जाएगा। 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के प्रदर्शन की हकीकत भी शायद कुछ ऐसी ही है। मेहुली जैसे खिलाड़ियों की वजह से गोल्ड कोस्ट में भारत का प्रदर्शन खेलों की दुनिया में हमारे अब तक के खेलों में निर्णायक साबित हो सकता है। ज़रूरत है हमारे देश की ऐसी नायिकाओं को तराशने की।